ख़वातीन हज़रात, ये बात देखी जाती है कि मुश्किल के वक्त के अंदर इंसान को खुदावंदे करीम ही याद आता है। भारत के अंदर मौजूद एक हिंदू पंडित के तारीखी अल्फाज यहाँ पर सुनहरी हरूफ से लिखे जाने चाहिए। और नज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको बताते चलें, भारत के अंदर मौजूद एक हिंदू पंडित के अल्फाज मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जीनत का बायस बनी रही देखने वालों के लिए। ये ज़रा तारीखी अल्फाज आप हिंदू पंडित के सुन लें, जो कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहे। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को। अभी मुझसे पहले कहा गया कि उसको रब्बुल आलमीन कहा गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया। वो जितना तुम्हारे हमारे भी हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। नज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा किया किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिंदू पंडित ने भी तारीफ़ कर दी और देखने और सुनने वाले भी दाद देते ना थके। नज़रीन इकराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारत के अंदर जब मौजूदा वबाई बीमारी का हमला बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वसीला बनाकर दुआएँ करना और इसी के साथ साथ मुसलमानों को ये कहना कि तरावी और नमाज के अंदर दुआएँ मांगी जाएँ, तो ये बात सोशल मीडिया पर इस टाइम पर नज़र आ रही है। लेकिन इसके खिलाफ यहां पर बहुत से कश्मीरी लोग इस हवाले से अपनी मजलूमियत का भी नारा बुलंद करते नजर आते हैं। वो भी बताते हैं कि भारत ने किस तरह से उनके ऊपर मुजालिम ढाए थे और शायद अब ये एक बदला ही नजर आ रहा है कुदरत की जानिब से। इस हवाले से जो भी राय हो आपकी कमेंट्स में जरूर आगा कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।